काशी अयोध्या एक बात है, मन में हमारे काशी अयोध्या उतर जानी चाहिए। जो शब्द राम है वो राम हमारे मन में उतर जाना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जय श्री राम मत कहो, खूब कहो, लेकिन उसको जीवन में भी उतारो, ये मेरा संदेश है। तो आपको लग रहा है कि उनके जीवन में राम नहीं उतरे हैं? जीवन में तो हम किसी के नहीं उतरा है, मेरे भी नहीं उतरा है, आपके भी नहीं उतरे हैं। जीवन में जब उतर जाएगा तो ये धरती स्वर्ग होगी। लेकिन ये कहा गया कि 2014 के बाद से ही और अयोध्या मंदिर बनने के बाद में राम को जगह मिली जो मिलनी चाहिए थी, उससे पहले उनको मिली नहीं थी जगह, झुग्गी झोपड़ी में थे। मंदिर तो बना है, इसमें कोई शंका नहीं है, और श्री राम एक टेंट में रहा करते थे, और जो आक्रांता वहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी, और उसकी जगह इस्लाम में एक विधान है कि आप मस्जिद कहीं भी बना सकते हो, तो उनकी पूजा का जो स्थान था वो जगह बदल के कहीं और हो गया, और जो श्री राम की भूमि थी वो हिंदू धर्म को मिल गई, और वहाँ एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। मेन बात ये है कि वो काम हो चुका है, अब मन में राम उतारें। राम तो घट घट में है ना? राम घट घट में है, लेकिन वो उतरना चाहिए, हम लेते नहीं हैं। कहाँ तक ले मैं 33 करोड़ देवी देवता है ना सर? वो सभी का असेंस एक है, राम में भी रहीम है, राम में भी शिव है, शिव में भी राम है, वो सब में बसता है। राम बड़े या शिव बड़े? सभी एक हैं, जब एक ही हैं तो बड़े और छोटे का प्रश्न ही नहीं होता है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सबके राम है, लेकिन अब मंचों से ये कहा जा रहा है कि अब तो राम के शरण में कुछ लोग और भी आने लगे जो कभी नाम नहीं लेते थे। बिल्कुल आते हैं तो आएं तो और अच्छी तो बात तो है। कॉपीराइट वाला राम भी एक हैं, रहीम भी एक हैं, अल्लाह भी, अल्लाह वर्ड संस्कृत में भी है, और वो भी हमारे हैं। ये सनातन युगों युगों से चला आ रहा है और ये चलता रहेगा। लेकिन ये कॉपीराइट वाला मामला हो गया ना, कि पहले हम राम को बोलते थे, अब मन से आप भी बोलने लगे, तो इसका मतलब है कि पहले हमारा कॉपीराइट था, आपको बोलने का अधिकार ही नहीं था। कॉपीराइट तो अभी एक लीगल व्यवस्था अभी शुरू हुई है। राम तो जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी थे, और राम जी ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी होंगे। अच्छा, मथुरा में भी जो हो रहा है बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो फिर कैसे बनना चाहिए, मतलब वहाँ पे भी एक मस्जिद को तोड़ के बनना चाहिए या फिर अलग बनना चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकाल लें। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि अयोध्या में जो मंदिर बनी वहाँ से एक मस्जिद था, लेकिन ASI का आप देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला जो पूरा सर्वे किया गया, तो वहाँ पे कोई मंदिर ही नहीं था। ये उसका, मैं कोई गहराई में नहीं गया हूँ उन फैक्ट्स की, तो मुझे पता भी नहीं है कि सही में क्या था। और एक गहरा तरीका होता है कि आप ध्यान से बहुत अपने गहरे अंदर जाओ और उससे पता लगा लो कि वहाँ सही वैसे सही कर रहे हैं ना बीजेपी जो कर रही है शासन। बीजेपी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे पसंद आता है। एक अद्भुत काम जो अभी हुआ है वो हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसमें एक तो जो शिक्षा पहले जो ये थी कि थ्योरिटिकल, उसको प्रैक्टिकल बना रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम है। दूसरा, शिक्षा जो शिक्षा मतलब एक नंबर वन बनने की होड़ जो है, उसके बजाय शिक्षा ये नंबर वन जब होगा तो कंपटीशन से जेलेसी से हेट्रेट पैदा होती है। तो उसके बजाय वो ये होना चाहिए कि हम में प्रेम हो, बच्चों में सत्य हो, ईमानदारी हो, तो एक जीवन जीना कैसे हो वो भी स्कूल लेवल पे सिखाया जाए। तो उसकी एक पहल हुई है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एजुकेशन तो खत्म होने के कगार पे है। ख़त्म है, क्योंकि हमारी शिक्षा वो नहीं है। शिक्षा वो है सा विद्या या विमुक्ते। एजुकेशन इज़ द वन विच लिबरेट्स अस, बट दिस एजुकेशन इंस्टेड ऑफ लिबरेटिंग इट इज़ क्रिएटिंग मोर डिजायर्स एंड डिजायर लीड्स टू द मिजरी। अच्छा, आपने कहा कि राष्ट्रव्यापी जो शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति, इससे पहले क्या ऐसे राष्ट्रवाद के आधारित चैप्टर नहीं थे, राष्ट्रवाद पर आधारित कोई? जबकि जो हमारी शिक्षा नीति थी, आप देखो महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास करे। फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा वो है जो द वन विच अलाइंस द बॉडी माइंड एंड सोल। फिर हमारे जो शिक्षा नीति बैठी तो उसमें कह रहे कि जो जिसका जो आर्थिक विकास पर वो आ गई। तो शिक्षा है कि हमें हम अच्छे इंसान कैसे बने, हमें जीवन जीना कैसे आए। लेकिन जो शिक्षा अभी हो गई है वो सिर्फ कंपटीशन है कि हम एक नंबर पे पहुँचे।
तो अभी सारे बच्चे एक नंबर पे पहुंचना चाहेंगे तो स्ट्रेस पैदा होगा ही, जब स्ट्रेस है तो वो अच्छा नहीं है जीवन के लिए। वो ठीक है, आपकी बात माना, लेकिन राष्ट्रवादी शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, क्या इससे पहले यहाँ पे वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी? नहीं पढ़ाई जाती थी, जिन मुगलों ने, जिनके ये इतने रोड बने हुए हैं, आप इन पे गूगल करके देखिए, आप इनकी बारे में खोज कीजिए, इन्होंने एक एक लाख लोग मारे। जैसे मेवात जो एरिया था उसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सबको क्लीन कर दिया, एक इंसान नहीं छोड़ा वहाँ। इस तरह से जिस जिनको मारा गया, मीन इवन आप ले लो जो अकबर, जो जो सबसे अच्छे माने जाते हैं मुस्लिम आक्रांताओं में, मुस्लिम जिन्होंने राज किया, उन्होंने भी 25,000 लोगों को बिल्कुल मारा था, उनमें महिलाएं भी थी। लेकिन अकबर के सैनिक जो सेना थी, हाँ, उसमें क्या एक समुदाय के लोग थे या दोनों समुदाय के लोग थे? दोनों समुदाय के भी थे, उन्होंने अपने अधीन रख रखा था। लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ, जब इन्होंने 25,000 लोगों को मारा था तो उस समय उन्हीं की सेना थी, उसमें दोनों समुदाय के लोग नहीं थे। क्या लग रहा बाबा, मथुरा की बारी अब आ गई है क्या? सही समय है। अभी मथुरा से पहले दिल्ली में पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है, उसका बहुत सरल समाधान है जो दिल्ली सरकार को करना चाहिए। और वो समाधान ये है कि दिल्ली का जो पूरा जंगल है, उस जंगल में 90% विलायती कीकर है। ये कीकर का पेड़ किसी और पेड़ को नीचे बड़ा नहीं होने देता है, लेकिन पीपल और उसकी प्रजातियां बड़ी हो सकती, जैसे पीपल है, बरगद है, पिलखन है। जो बरगद का, ये जो पीपल का पेड़ है, वो 87% ऑक्सीजन एयर को क्लीन कर देता है, मतलब कार्बन जो होगी उसको ऑब्जर्व कर लेगा और उसकी जगह ऑक्सीजन दे देगा। तो जो कीकर का पेड़ है वो 11% को करता है, 11 point something, तो 11 × 88 मतलब 8 गुना आपका ऑक्सीजन जंगल का बढ़ जाएगा। एक बात तो ये, दूसरा पीपल और जो कीकर है उसकी जो कनोपी होती है वो करीब 10 गुना का उसमें फ़र्क होता है। जैसे एक नॉर्मल जो साइज होता है कीकर के पेड़ का वो 2 से 5 मीटर तक, और जो पीपल का होता है वो 5 से 25 मीटर तक। तो उसमें भी जैसे कीकर में तो एक साइड, मतलब एक शाखा इधर निकल गई, एक उधर निकल गई, इतना घना नहीं होता है, लेकिन जो कीकर होता है, जो पीपल होता है वो और भी घना होता है, तो 10 टाइम वो बढ़ जाता है। पर ये तो सब चीज़ जानते हैं केजरीवाल? नहीं जानते हैं, इसीलिए तो नहीं हो रहा है, हमने ये लिख के भी दिया है। तो 10 × 8 आपका जंगल का जो साइज है, जो फायदा है, वो 80 गुना, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 80 गुना बढ़ जाएगा। तो एक तो उस तरह से उसको फायदा होगा।